मैं अपन बेटी के बिहाव सरकारी नौकरी वाला पर करिया हूँ। मैं तोला कहे ना। आखिर दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सुपरहिट फिल्म सरई फिल्म ने अब तक कितने रुपए की कमाई कर लिया है, और इस फिल्म को YouTube पर कब रिलीज किया जाएगा, और इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यमय बातों का खुलासा करेंगे जिसे जानकर आपके शायद होश ही उड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश पटेल और आप देख रहे हैं हिंदी फैक्ट 2। दोस्तों, सरई फिल्म छत्तीसगढ़ के तमाम सुपरहिट फिल्मों से बिल्कुल अलग है, और दोस्तों इस फिल्म के स्टोरी और स्क्रिप्टिंग इस फिल्म को और अधिक खास बनाती है। और सरई फिल्म छत्तीसगढ़ के एकमात्र ऐसा भी फिल्म है जिसमें फिल्म के हर एक सीन पर दर्शकों को मोटिवेट करता है, और एक ही फिल्म में दर्शकों को हर प्रकार की कंटेंट देखने को मिलता है, जिसमें से सरकारी नौकरी वाले दामाद ढूंढना, YouTube पर काम करने की दिनचर्या और उनके संघर्षों और कठिनाइयों से रूबरू कराना, पेड़ों की अवैध कटाई, पर्यावरण संरक्षण एवं असहाय लोगों की मदद करना जैसे कई सोशल मैसेजेस दिए हैं जो आम छत्तीसगढ़ी फिल्मों में बिल्कुल भी नहीं दिए होते हैं। इसके अलावा इस फिल्म में कॉमेडी ड्रामा रोमांस कॉलेज लव स्टोरी फैमिली एंगल नोक झोक और कई सारे ट्विस्ट फिल्म सरई में देखने को मिलता है, और इसके बारे में छत्तीसगढ़ के कई बड़े फिल्म डायरेक्टरों ने फिल्म के स्टोरी को सराहना करते हुए इस फिल्म के डायरेक्टर आनंद मानिकपुरी को शुभकामनाएं दिए थे। और इस फिल्म के लीड रोल में इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर और एक्टर आनंद मानिकपुरी और फीमेल एक्ट्रेस के लिए छत्तीसगढ़ के खूबसूरत अदाकारा अनिता बरेठ को लिया गया है, और छत्तीसगढ़ के दर्शकों ने भी इन दोनों के इस खूबसूरत जोड़ी को खूब पसंद किए हैं। और दोस्तों, इससे पहले आनंद मानिकपुरी और अनिता बरेठ द एडीएम शो यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट कॉमेडी वीडियो पर एक साथ काम किया करते थे। ज्यादातर आनंद मानिकपुरी के हर वीडियो पर शिक्षा से रिलेटेड और सामाजिक मुद्दे, अपने दैनिक जीवन से जुड़े समाज में फैले भ्रष्टाचार के निदान जैसे कई सोशल मैसेजेस वाले कंटेंट अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द एडीएम शो पर अपलोड करते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर सरई फिल्म की शूटिंग कहां कहां पर किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग ज्यादातर बिलासपुर कोटा के जंगल रायपुर कोरबा, और दोस्तों इस फिल्म के शूटिंग के दौरान फिल्म मेकर्स को कई दिक्कतों से गुजरना पड़े थे, जिनमें से इस फिल्म के कैमरामैन आनंद मानिकपुरी के छोटे भाई तुषार मानिकपुरी का इस फिल्म के शूटिंग के दौरान उनके एक हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, जिसके चलते फिल्म के शूटिंग में रुकावट आ रहे थे। फिर भी तुषार मानिकपुरी अपने हाथ पर प्लास्टर बांधकर इस फिल्म के शूटिंग में लग गए थे, और दोस्तों इस फिल्म में एक भी स्पॉट बॉय को नहीं रखे गए थे, जिसके कारण सभी कामों को खुद करना पड़ते थे, और इस फिल्म को बनाने में लगभग एक साल का समय लग गए थे। दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर इस फिल्म को बनाने में कितना खर्चा आया है। तो दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म को बनाने के लिए आनंद मानिकपुरी ने अपने पूरे तन मन और धन को इस फिल्म को बनाने में लगा दिए थे, और आनंद मानिकपुरी ने एक इंटरव्यू में बताया है। और दोस्तों, इस फिल्म पर पैसे लगाने के लिए आनंद मानिकपुरी छत्तीसगढ़ के कई बड़े फिल्म प्रोड्यूसर के पास गए तो कहा कि इस टाइप के फिल्म को हमारे छत्तीसगढ़ के लोग पसंद नहीं करते हैं। तो आनंद मानिकपुरी उदास होकर अपने घर आ गए, और आनंद मानिकपुरी ने ठान लिया कि अब जो करना है इस फिल्म को बनाने के लिए खुद मुझे ही करना होगा। ऐसा कहकर अपने पूरे टीम के साथ फिल्म को बनाने में लग गए, और इस फिल्म को बनाने में लगभग 50 से 60 लाख रुपए का लागत बताया गया है। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर सरई ने अब तक कितना कमाई किया है। दोस्तों, इस फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर 8 लाख रुपए की जबरदस्त कमाई किए थे, वहीं दूसरे दिन 16 लाख रुपए की कमाई किए थे, और इस फिल्म के अब तक टोटल कमाई की बात करें तो एक आंकड़े के मुताबिक लगभग इस फिल्म ने 16 से 18 करोड़ रुपए की जबरदस्त कमाई किया है, और साल 2023 के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फिल्म के लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है, और पहले नंबर पर ले शुरू हो गए माया की कहानी फिल्म है। तो दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की सुपरहिट फिल्म सरई के बारे में इन्फॉर्मेशन वीडियो। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताइएगा।
हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।